दिनों पहले टमाटर की कीमतें आसमान छू रही थीं, लेकिन अब वही टमाटर झाबुआ में किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। हालत यह कि दाम नहीं मिलने की वजह से किसानों को टमाटर मजबूरन फेंकना पड़ रहा है। पेटलावद में किसानों ने कई क्विंटल टमाटर कूड़े में फेंक दिए। किसानों का कहना है कि पहले एक कैरेट का दाम 100 रुपए से 110 रुपए मिल रहा था, वही दाम अब गिरकर 40 रुपए कैरेट हो गया है। आपको बता दें कि एक कैरेट में 25 किलो टमाटर होता है, यानी कि किसानों से 1.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर लिया जा रहा है। ऐसे में किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे। टमाटर की कीमतों में तेजी से होने वाले बदलाव के पीछे किसान बिचौलियों को जिम्मेदार मानते हैं। किसानों ने सरकार से बिचौलियों पर कार्रवाई की मांग की है। किसानों का मानना है कि सरकार टमाटर की फसल अपनी देखरेख में मंडियों तक पहुंचाए, जिससे किसानों से कमीशन के नाम पर होने वाली ठगी को रोका जा सके। प्याज की तरह मुख्यमंत्री से हम यही करना चाहते हैं कि प्याज की तरह टमाटर हमारे खरीदा जाए। उसकी लागत बहुत ज्यादा होने के कारण, भाव मतलब कम होने से हमारे लागत ज्यादा होने के कारण नहीं पूर पा रहा, इसलिए हम तुड़ाई करके बाहर फेंक रहे। उसमें सिर्फ क्या है, एक अपनी अपनी साठगांठ से सब काम काज चल रहा है। वो साठगांठ बंद के लिए सरकार इस पे कुछ पाबंदी लगाना चाहिए। सरकार को इस क्षेत्र में जाना चाहिए कि इसको लगाए ना, किसान आंदोलन का उसका कोई फायदा ना, किसानों के ऊपर लाए वो चुत कर देंगे, पर न्याय की इस बिचौले की पकड़ करे। वो चंद लोग ही हैं, चंद लोगों पर पकड़ कर लेते किसान ऑटोमेटिक आंदोलन का। किसान को इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो आंदोलन करने जाए। मुख्यमंत्री से हमारी यह मांग है कि जैसे प्याज खरीद ऐसे टमाटर भी थोड़े बहुत किधर खरीद के भेज दे बाहर, तो हमारी थोड़ी राहत मिल जाएगी, दवाई के खाद के पैसे निकल जाएंगे। नहीं तो ये क्या है, किसान को तोड़ के नाले नदी में फेंकने पड़ रहे टमाटर। कूड़े में नजर आ रहे इन टमाटरों को देखकर आपका भी दिल दुख रहा होगा कि आप कितनी महंगे टमाटर खरीद रहे हैं, और ऐसे में किसान मजबूर हैं, परेशान हैं, उन्हें टमाटर फेंकने पड़ रहे हैं। सचिन जोशी जी मीडिया संवाददाता झाबुआ से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, बहुत लंबा वक्त नहीं गुजरा है जब टमाटर 80 रुपए किलो तक पहुंच गया था, आज बाजार में 15 से 20 रुपए किलो में टमाटर आम आदमी खरीद रहा है, लेकिन किसान से लिया जा रहा है 40 रुपए में 25 किलो। ये कितना बड़ा मुनाफा बीच में बिचौलिए खा रहे हैं, और किसानों की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल आसिफ, ये जिस तरीके से थोड़े दिन पहले कीमतों ने लोगों को लाल कर दिया था, अब यही जो टमाटर की लालिमा है ये किसानों के लिए परेशानी बन गई है। वजह साफ है कि जिस तरीके से जो आवक लगातार तेजी से बढ़ी है, पहले झाबुआ और रायपुरिया के इलाके का जो ये टमाटर है वो दिल्ली की मंडी से लेकर के पाकिस्तान की मंडी तक ले जाया जाता था, लेकिन नागपुर और आसपास के दूसरे राज्यों से अब लगातार तेजी से बड़ी संख्या में टमाटर दिल्ली की मंडी में पहुंच रहा है, और यही वजह है रायपुरिया क्षेत्र के टमाटर को खरीदने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जो इन किसानों को होता है वो बिचौलियों का नुकसान होता है, क्योंकि जब झाबुआ से ये जो टमाटर की बुकिंग होती है, दिल्ली के एजेंट सीधे झाबुआ पहुंचते हैं, रायपुरिया के क्षेत्र में पहुंचते हैं, खेतों को वो एजेंट के तौर पर बुक करते हैं, और उसके बाद में वो दिल्ली मंडी पहुंचाया जाता है। इस बीच ये जो पूरा कमीशन का खेल है उसमें बिचौलिए जमकर मुनाफा कमाते हैं, और किसान जो दिन रात मेहनत करके ये टमाटर की पैदावार उगाता है उसको काफी कम ये उसको ये इसकी कीमत मिल पाती है। और जो अब से कुछ दिनों पहले तक ये 100 से 125 रुपए किलो प्रति किलो फुटकर भाव में ये टमाटर मिल रहा था, जो अब केवल 40 रुपए एक कैरेट, जिसमें करीब 25 किलो के समथिंग टमाटर आता है, वो अब केवल 40 रुपए में बिक रहा है। किसानों का दर्द यह है कि पौधों पर लगा हुआ टमाटर तोड़ना जरूरी होता है, अगर पौधों पर से टमाटर तोड़ा नहीं जाए तो वो पूरा पौधा खराब हो जाता है, और यही वजह है कि अब किसान महंगे दामों पर मजदूर लगाकर इन टमाटरों को पौधों से तोड़ रहे हैं, वो भी कीमत अब किसान निकाल नहीं पा रहा। बिल्कुल ठीक है, यानी मजदूरी जो निकालनी है वो भी नहीं निकल पा रही है, और ऐसे में आप समझिए 40 रुपए में अगर 25 किलो टमाटर किसान बेचेगा तो लागत मूल्य तो छोड़िए, उसका खर्चा तक कुछ नहीं निकलने वाला, फायदा तो छोड़िए लागत नहीं निकलने वाली। सचिन आप बने रहे हमारे साथ, इस वक्त भोपाल से संदीप भंवर का